Hi, welcome at Commerce Students Hub. Our motto is to learn accountancy and commerce subjects by clearing all basic concepts. Today's topic is Marathon Class Part 1, Class 12th and PO Chapter. Please be continue and we will cover chapter one by one. Hello my dear friends, welcome, good morning in my YouTube channel Commerce Students Hub. आप सभी का कॉमर्स एक्सीडेंस हब में स्वागत है। आप लोगों को यहाँ पे क्लास 11 12 की जो स्टडी मटेरियल्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम की यहाँ प्रोवाइड करवाया जा रहा है। प्लीज आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए शेयर करेंगे उतना ही ज्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम और आप लोगों को ऐसी फैसिलिटीज देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, थैंक यू फॉर योर लव। मैं सौरभ कुमार आप लोगों को यहाँ पर YouTube चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ कि आप लोग मुझे जज कर सकते हैं कि क्या मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो ये आपके पास एक अच्छा मौका है, आप जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कीजिए ताकि वो भी मेरे को जज कर सके, और फिर अगर अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबाकर लाइक बटन दबाकर शेयर जरूर कीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे जाके फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि हम अच्छे से और अपने आप को इम्प्रूव कर सके, उस लेवल पर काम कर सके। थैंक यू। आज जो मैं लाइव स्ट्रीमिंग देने जा रहा हूँ वो है क्लास 12 का पहला चैप्टर, वो है एनपीओ, अकाउंट्स का पहला चैप्टर एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज जो है एक पूरा समरी टाइप क्लासेस होंगे और उसमें आज ही एक घंटे का हो या डेढ़ घंटे का हो या दो घंटे का हो, पूरा चीज जो है अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर का है वो आज ही आपको बता दिया जाएगा। मैंने कहा था ना आपको कि अभी हम पार्ट वाइज कर रहे हैं और जब सिलेबस कवर हो जाएगा चैप्टर वन का पूरा तो हम एक पूरा एक रिव्यूज क्लास की तरह से होता है मैराथन क्लास वैसे क्लासेस लेंगे हम, ठीक है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तब तक आप ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं एनपीओ अकाउंट्स चैप्टर वन क्लास 12, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो फिर से आपका स्वागत है। अपने अब तक आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दिया होगा तो मैं आप लोगों को अब सीधे चलते हैं बिना टाइम गवाए हुए अपने चैप्टर्स पे। तो नाउ हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो अकाउंट्स का पहला चैप्टर एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और एनपीओ क्या होता है, इसके कैरेक्टर्स क्या है, यह किस तरीके से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करता है, हम उसके बारे में स्टार्टिंग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले एनपीओ, एनपीओ क्या होता है, एनपीओ है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं। इट इज क्लियर विद हिज नेम दैट कि एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको सेटअप किया जाता है प्रॉफिट नहीं कमाने की इच्छा से, बल्कि उसको सेटअप किया जाता है कि हम जो अपने कल्चरल एक्टिविटीज है, जो हेल्थ केयर एक्टिविटीज है और जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है, इन रिलीजियस एक्टिविटीज है, इन सब चीजों को प्रमोट करने के लिए, इन सब चीजों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा और भी कोई सर्विसेज जो पब्लिक को या फिर मेंबर्स को चाहिए वो बिना प्रॉफिट की इच्छा रखे हुए वो चीजें सर्विसेज जो है सो प्रोवाइड करवाते हैं इसको पब्लिक और मेंबर को, और ये काम कौन करते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लोग, ठीक है। एनपीओ का मालिक कौन होता है, एनपीओ आपने आसपास देखा होगा कि जब भी आपातकाल होता है या फिर कभी क्या कहते हैं भूकंप आता है, कभी बाढ़ आ जाता है, तो आपने देखा होगा काफी सारे अदर ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है सो आकर यहाँ पर हेल्प करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हम कहते हैं एनजीओ, नॉट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसे हम क्या कहते हैं एनजीओ। तो
ये एनजीओ जो होते हैं वो भी एक तरह का एनपीओ होता है, जो स्कूल्स होते हैं वो भी एक तरह के एनपीओ के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो भी एनजीओ के अंदर आते हैं, ठीक है, एनपीओ के अंदर आते हैं। तो अब समझ में आ रहा होगा किस तरीके से एनपीओ है क्या। एनपीओ मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर प्रॉफिट कमाने का कोई मोटिव नहीं है तो इसमें पैसा कैसे आता है, ये खर्च कैसे करते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस होते हैं आपने देखा होगा बिजनेस का फर्स्ट प्राइमरी फोकस यही होता है कि कैसे हम प्रॉफिट कमाएं, ठीक है, ताकि हम आगे ग्रो कर सके, क्योंकि प्रॉफिट ही एक जरिया है जिससे हम अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि प्रॉफिट अगर नहीं है तो फिर ये ग्रो कैसे कर सकता है, ये कैसे अपने आप को लंबे टाइम तक मार्केट में रख सकता है, ठीक है। तो ये एक फंड होता है, ठीक है, एनपीओ जो होते हैं उनको रन करने के लिए जो इनकम के सोर्स होते हैं वो होते हैं आपकी जैसे एंट्रेंस फीस और एडमिशन फीस। जैसे आप मान लीजिए कोई स्कूल है, ठीक है, अब स्कूल को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए, स्कूल को चलाने के लिए जो वहां पर इनकम ऑफ सोर्स ऑफ इनकम होता है वो होता है सबसे पहला एंट्रेंस फीस, मतलब जब बच्चे का एडमिशन कराने जाते हैं तो वो जो एडमिशन फीस लेता है वो एडमिशन प्रक्रिया में खर्च होने वाले जो भी प्रक्रिया है, ठीक है, एडमिशन में खर्च होने वाले जो भी वेज है उन पर वो खर्च करता है, ठीक है। जैसे एडमिशन में क्या होता है कि बच्चों का टेस्ट लिया जाता है, टेस्ट लिया जाता है ना, फिर उसके बाद उसको बेंच टेस्ट, डार्क चेयर, पेपर, हवा, पानी, मतलब फैन, लाइटनिंग, इन सब चीजों का कॉस्ट जोड़कर वो लोग क्या करते हैं, अपना एडमिशन फीस लेते हैं। एडमिशन फीस अभी जो है ये स्कूल हॉस्पिटल जो है सो डिबेटेबल हो गया है, क्योंकि लोगों ने एजुकेशन को, हेल्थ को इतना अच्छा बिजनेस बना लिया है कि उसको लोग एनपीओ के अंदर काउंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि एनपीओ मतलब एक समाज सुधारक। एजुकेशन क्या है, एजुकेशन हमारी बेसिक नीड्स है, इसीलिए उसको जो है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है जिसका कोई मोटिव नहीं है पैसा कमाने का। आज जरिया बदल गया है, नजरिया बदल गया है, तो उसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे, अभी हम सिर्फ जो स्टडी हम करना है फोकस उस पर करते हैं, ठीक है। तो जो एडमिशन फीस है वो एडमिशन के दौरान होने वाले खर्चों के ऊपर, खर्चों का जो हिसाब होता है उसको मैनेज करने के लिए ये फीस लिया जाता है, ठीक है। एंट्री फीस है, कोई सेमिनार होता है वहां आप जाते हैं तो आपको एंट्री फीस देना पड़ता है, तो वो है। तो पहला जो सोर्स ऑफ इनकम है एलपीओ का वो क्या है, एडमिशन फीस या फिर एंट्री फीस। दूसरा है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, डोनेशन जब व्यक्ति अपने आप से खुद से, जैसे आपके घर में भी कुछ लोग आते हैं चंदा के नाम पर कि मुझे चंदा दीजिए, डोनेशन दीजिए, हेल्प कीजिए, हम लोग अनाथ आश्रम स्टार्ट किए हुए हैं, अनाथ आश्रम में जो बच्चे रहते हैं उनको हेल्प करने के लिए, खाना पीना दिलवाने के लिए आप हमें पैसा डोनेट करें, ठीक है, तो आप उसको कुछ पैसे देते हैं, तो वो जो पैसा आप देते हो वो एक तरह का डोनेशन होता है, ठीक है। इसके बाद है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन होता है हमें किसी से जुड़ना है कुछ लिमिट टाइम के लिए, तो उसके लिए कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। जैसे कि आपको, आपने देखा होगा कोई ऐप आप डाउनलोड करते हैं, जैसे टेक्स्टमार्ट का डाउनलोड कर लिया आपने, उसमें क्या होता है कि आपको कुछ होते हैं डेमो क्लासेस की वीडियोस, वो आपको दिखा दिए जाते हैं, और आपको अच्छा लगता है उसके बारे में और पढ़ना है तो आपको कहा जाता है कि आप इतने रुपए लेकर आप पर मंथ के लिए, 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आप इस स्टडी मटेरियल को खरीद सकते हो, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है, तो वो सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट दे रहे हैं ना, तो वही सब्सक्रिप्शन है, उस अमाउंट से वो अपना खर्चा निकालता है। इसके बाद है लाइव मेंबरशिप फीस। क्या होता है लाइव मेंबरशिप फीस, ये एक ऐसा अमाउंट है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा से उसके काम को देखकर, उसके ऑब्जेक्टिव्स को देखकर, वो उस कंपनी को हमेशा के लिए अपनी सर्विस देना चाहता है। जैसे कि आज आप आरएसएस को देख लीजिए, आरएसएस में काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो आरएसएस में जो लोग जुड़े हुए हैं उसको क्या, क्यों जुड़े हुए हैं, उनके कामों को देखकर, उनके बातों को देखकर, उनकी जो
जो भी उनकी आइडियाज हैं, आइडियोलॉजीज हैं, उनको देखकर लोग उनसे जुड़े और लोगों को मन किया कि मैं इसमें अपना पूरा लाइफ दूं। तो उन्होंने एक फीस लाइफ मेंबरशिप के नाम से सबमिट किया, जिससे कि वो हमेशा के लिए उसी कंपनी को अपना सर्विस देना शुरू करते हैं, कंपनी नहीं उसी ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स होता है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर गवर्नमेंट या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, वो परमिशन देती है किसी चीज के ऊपर, या फिर कोई हेल्प करती है पैसों से लेकर, चाहे कुछ भी है, किसी तरीके का हेल्प करती है, तो उसको हम ग्रांट्स में एंट्री करते हैं। इसके बाद है लोन्स। लोन्स लोन्स भी किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम लोगों के पास जाते हैं। अगर उससे भी पूरा नहीं होता है तो हम बैंक के पास जाते हैं और बैंक हमें क्या देता है? लोन देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सोर्स ऑफ इनकम इन एनपीओ। ये तरीका है जिसमें एनपीओ को पैसे कलेक्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फंड। ठीक है, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी विशेषता क्या है? सबसे पहले एंटिटी। एंटिटी क्या है? एंटिटी का मतलब है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी प्रमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइज। कह रहा है कि ये एनपीओ जो है ये एक ऐसी एंटिटी है जो प्रमोट की जाती है किसके द्वारा, किसी इंडिविजुअल के द्वारा या फिर ग्रुप ऑफ पीपल सोसाइटीज इनके द्वारा। ठीक है, ये जो एनपीओ है वो कौन रन करता है, किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। ठीक है, दूसरा है पर्पस। इसका क्या पर्पस होता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? पर्पस होता है कि हम एजुकेशनल एक्टिविटीज, रिलीजियस एक्टिविटीज, हेल्थ एक्टिविटीज, जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स है, वो ऐसी एक्टिविटीज जो गवर्नमेंट की प्लानिंग्स है, उन सब चीजों के बारे में नॉलेज स्प्रेड करना। ठीक है, सर्विस प्रोवाइड करना विदाउट द मेकिंग ऑफ इंटेंशन ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। बिना इन प्रॉफिट अर्निंग के इंटेंशन से वो लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ऑनरशिप, इसका मालिकाना हक किसका होता है, इस पर मालिकाना हक किसका होता है? तो आपने देखा होगा ट्रस्ट बोलते हैं ना, ट्रस्ट, ट्रस्टी, ट्रस्टशिप। तो जो इनका मालिकाना हक होता है वो कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता है। ठीक है, उसमें जुड़े हुए मेंबर्स भी होते हैं, तो हम एक बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी कहते हैं जिसको हम ट्रस्टी कहते हैं। ठीक है, जिसने वो स्टार्ट किया वो ट्रस्ट और ट्रस्टी है, और वो जिसको स्टार्ट किया वो ट्रस्ट कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद है प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव। इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो पैसा कमाना नहीं होता है। इसके बाद मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कौन करता है? जो वही बोर्ड, जो ट्रस्ट है, जो ऑनर्स है वो करते हैं, या फिर कोई मैनेजर को एम्प्लॉय कर लेते हैं, जो बोर्ड या फिर सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं वो लोग इसको क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। फंड्स कहाँ से आते हैं? फंड्स जो होते हैं, फंड्स होता क्या है, फंड्स जो होता है वो स्पेशल चीजों के लिए, किसी भी स्पेशल चीजों के लिए जिसका किसी और चीज में खर्च नहीं होना है। जैसे कि एक होता है नॉर्मल जो पैसा आता है हमारे पास, उसको हम सैलरी देने में, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में हम पैसा लगा देते हैं, लेकिन ये जो फंड है वो किसी स्पेशल पर्पस से ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। जैसे कि आप एनपीओ रन कर रहे हैं, अब आपको बिल्डिंग बनवाना है, अब बिल्डिंग बनाने के लिए आपके पास तो पैसा होगा नहीं, क्योंकि आपने जो सर्विस दिया है उसमें प्रॉफिट अर्निंग का तो कोई नाम नहीं था। तो आपने जितने भी सर्विसेज किए उसमें हो सकता है पैसे मिले भी हों प्रमोट करने के लिए या फिर नहीं भी मिले हो, तो इतने पैसे नहीं होंगे आपके पास कि आप बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सके। तो वो बिल्डिंग खड़ा करने के लिए आप लोगों के पास जाते हैं और फंड कलेक्ट करते हैं बल्क अमाउंट में, ज्यादा अमाउंट में। तो वो स्पेशल खर्च, वो स्पेशल अमाउंट होता है जिसके नाम से हम, जिस किसी के नाम से हम उसको कलेक्ट करते हैं। जैसे बिल्डिंग बनवाना है तो बिल्डिंग फंड हो गया, टूर्नामेंट करवाना है टूर्नामेंट फंड हो गया। ठीक है, इसके बाद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फंड समझ में आया, एक ऐसा कलेक्शन ऑफ अमाउंट जो किसी अदर पर्पस में यूज ना हो, वो एक स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही लिया जाता है। अब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब
जो आपने देखा होगा जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव जो जिनका जो होते हैं फॉर्म से, उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, सबसे पहले तो ये पता करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में कितना खर्च हुआ, ठीक है, और कितना इनकम हुआ। और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें वो बताता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है। और इन चीजों को, इन्हीं चीजों को पता करने के लिए जो एनपीओज हैं वो बनाते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। जबकि आपने देखा होगा क्लास 11th में पढ़ा होगा जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव फंड्स होते हैं वो लोग क्या बनाते हैं, वो लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो वैसे ही यहां पर भी है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। और हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट में किन चीजों की एंट्री की जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में किन चीजों की एंट्री की जाती है, ये क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। जो एडजस्टमेंट होता है उसको हम किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, एडजस्टमेंट एडजस्ट कैसे कर सकते हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे इस पूरे लाइव क्लासेस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे हम रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एनपीओ। जो फाइनल स्टेटमेंट तैयार करती है उनमें से पहला है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब एक चीज पहले आप पता कर ले कि जो एनपीओ होते हैं और प्रॉफिट अर्निंग मोटिव फंड्स होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एनपीओ का जो पर्सनल मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग का नहीं होता है, उसका मोटिव होता है कि वो कल्चरल एक्टिविटीज को, रिलीजियस एक्टिविटीज को, जो भी वेलफेयर चीजें हैं, वेलफेयर सोसाइटी का वेलफेयर जो प्रोजेक्ट होता है उस चीज को, गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशंस हैं उन सब चीजों को लोगों तक पहुंचाने का काम करती है कौन, एनपीओ, ठीक है। जैसे आपने एनजीओ वगैरह में बताया था ना वो, पर जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के जो फंड्स होते हैं उनका काम होता है सिर्फ अपना सामान बेचो पैसा कमाओ, सामान बेचो पैसा कमाओ, सर्विस दो पैसा कमाओ, ठीक है। तो वो ये होते हैं, तो उनका सिर्फ मोटिव होता है कि हम कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, प्रॉफिट अर्निंग उनका मोटिव होता है। इसके जो ऑनर होते हैं उनको हम कहते हैं ट्रस्टी, जो मेंबर्स होते हैं वो ट्रस्टी, ठीक है। और वो ये जो ट्रस्ट होते हैं, ट्रस्टी जो होते हैं वो काफी सारे होते हैं लोग, ठीक है। और जो या फिर इंडिविजुअल भी हो सकता है, सोसाइटी का भी हो सकता है, सोसाइटी के द्वारा रन किया जाता है एनपीओ को, ताकि सोसाइटी में जो भी डेवलप काम हो, डेवलपिंग के काम हो, वो सब चीज वो कर सके उस ट्रस्ट के माध्यम से। पर एनपीओ क्या होते हैं, एनपीओ जो है किसी इंडिविजुअल जो बिजनेस खड़ा होता है, एम्पायर खड़ा होता है, वो किसी पर्सनल एक व्यक्ति के द्वारा खड़ा किया जाता है और वही उसका मालिक होता है, और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसे कंट्रोल करते हैं, पर मालिक तो एक ही होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। और चीजें एनपीओ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट, और जो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के फंड्स हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और ये चीजें हैं जिससे हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के पूरा पूरे साल का जो ब्यौरा है, खर्चा है, उसका हम पता कर सकते हैं कि वो कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस कमाया, पूरे साल में उसके पास खर्च करने के बाद कितना एसेट बचा और कितना लायबिलिटी बचा। अब हम आते हैं रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट पे। क्या होता है रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट, इट इज अ समरी। ये क्या है, इट इज अ समरी
ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स। समरी बुक कह सकते हैं यहां पे, समरी बुक ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड पेमेंट्स। ठीक है, ये जो एक्सपेंसेस और पेमेंट्स हैं वो कैपिटल नेचर के भी हो सकते हैं, इट मे बी कैपिटल नेचर और रेवेन्यू। मतलब ये हर तरह की कैपिटल नेचर का भी और रेवेन्यू नेचर दोनों को ये रिकॉर्ड करता है। ये जो रिकॉर्ड करता है इट रिकॉर्ड्स ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम वेर अ इट इज ऑफ प्रीवियस ईयर करेंट ईयर ठीक है या फिर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, ये जो रिकॉर्ड करता है सभी एक्सपेंसेस और इनकम को, चाहे वो प्रीवियस ईयर के हो या फिर करंट ईयर के हो या फिर नेक्स्ट ईयर के हो। ठीक है, तो ये चीजें थी आपके रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट की। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है आपको फिर से बता दूं कि यह एक समरी बुक है जिसमें हर तरह की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। हर तरह की मतलब होता है कैपिटल नेचर के भी और रेवेन्यू नेचर। मैं इस कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंस और इनकम को क्यों ज्यादा फोर्स कर रहा हूं इसके बारे में बताऊंगा मैं अगला सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करवाऊंगा। ठीक है, और ये रिकॉर्ड करता है सभी एक्सपेंसेस और इनकम को, चाहे वो रिलेटेड हो इस ईयर के या नेक्स्ट ईयर के या फिर प्रीवियस ईयर के। हर तरह के एक्सपेंसेस जो आपने पे किया है इस साल उसको रिकॉर्ड करता है। ठीक है, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट के नेचर क्या होते हैं, नेचर इसका जो नेचर होता है वो है, ये होता है एसेट अकाउंट। क्या होता है, इट इज एसेट अकाउंट। क्या होता है, इट इज एसेट अकाउंट। ठीक है, और ये जो रिकॉर्ड होता है किस बेसिस पर रिकॉर्ड करता है, तो कैश बेसिस। मतलब इसमें सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन को ही रिकॉर्ड किया जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब ऐसे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है जिसकी पेमेंट हो चुकी है। ठीक है, जिसका डिन डन हो चुका है, ये है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। अब हम जानते हैं रिसीप्ट्स एंड अकाउंट में किन किन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट क्या है, फॉर्मेट देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं नेम ऑफ द फर्म। फिर लिखते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। एज ऑन जो डेट होता है उसका, फिर इसके बाद हम एक कॉलम तैयार करते हैं। ठीक है, जिसमें दो साइड होता है,
आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में लेजर क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा उसमें कि जो लेजर क्वेश्चन करते हैं उसमें दो साइड होते हैं, और कौन कौन से होते हैं आपको पता है? एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड, क्योंकि ये एसेट्स हैं। तो आपको पता है कि क्योंकि इसका नेचर क्या है, एसेट का है, तो आपको पता है कि जितने भी इनकम होते हैं एसेट के नाम पर, एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट करते हैं और एसेट घटता है तो क्रेडिट। तो रिसीव्ड जब हो रहा है, रिसीव्ड जब बढ़ रहा है, रिसीव्ड जो हो रहा है वो हमारा डेबिट हो जाएगा और जो पेमेंट होगा वो हमारा एसेट हो जाएगा। आपसे कोई भी पूछे कि ये रिसीप्ट और पेमेंट जो है, रिसीप्ट मतलब क्या होता है? मिलना, पैसा मिलना, इनकम मिलना, और पेमेंट मतलब क्या होता है? खर्च करना। तो हम जब मिलता है तो हम तो डेबिट क्रेडिट करते हैं, और जब पेमेंट करते हैं तो मतलब एक्सपेंस करते हैं तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पर जब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तैयार कर रहे हैं तो हम क्यों इसमें डेबिट और क्रेडिट कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं रिसीप्ट को और क्रेडिट कर रहे हैं पेमेंट को, इसीलिए क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है एक एसेट नेचर, एसेट्स अकाउंट के नेचर का है, ठीक है। और इसमें इसमें जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो कैश ट्रांजेक्शन होता है, कैश बेसिस पर ही रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्योंकि इसका रूल होता है एसेट्स का कि जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करते हैं और एसेट्स जब डिक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमने यहां पर क्या किया है? रिसीप्ट को डेबिट किया है और पेमेंट को क्रेडिट किया है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो आपसे कोई भी पूछ सकता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। तो रिसीप्ट हम किस किस के रूप में कर सकते हैं? एक तो पहला सब्सक्रिप्शन अमाउंट, सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे क्वेश्चन में, वो एक तो प्रीवियस ईयर का दिया होता है, मान लीजिए हम 2018 का बना रहे हैं, मार्च 2019, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा हमारा 2017-18, हमारा आउटस्टैंडिंग था, हमने यहां पर पे किया है, ठीक है। फिर 2018-19, फिर इस साल जो हमारा सब्सक्रिप्शन था उसको हमने रिसीव किया, पे नहीं किया, रिसीव किया 2019-20। ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है? नेक्स्ट ईयर का है। तीनों को ऐड करके हम यहाँ पर एंट्री देते हैं, समझ गए। इसके बाद आप किसी भी, जैसे लाइफ मेंबरशिप आप फिर रिसीव कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, तो लाइफ मेंबरशिप फीस आपने रिसीव किया है, आपने यहां लिख दिया। रेंट रिसीव किया है, आपने यहां लिख दिया, ठीक है। आपने कुछ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव किया है, यहां लिख दिया, लिख दिया ना। इसके बाद सेल करते हैं हम, जब सेल करते हैं किसी भी चीज को तो हमें पैसा मिलता है, उसको भी हमने यहां लिख दिया, ठीक है। इसके बाद आपका मिसिलिनियस रिसीप्ट, ये सभी चीजें हमने, तो जो भी पूरे साल के दौरान रिसीप्ट होगा उसको हम रिसीप्ट साइड लिखेंगे, और जो भी पेमेंट्स होंगे, जैसे मान लीजिए हमने रेंट पे किया है, ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया। सैलरी पे किया है तो हमने यहां लिख दिया, है ना। फिर उसके बाद कोई कमीशन और मैंने पे किया है, तो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। कोई ऑनरेरियम जो होता है ना वो पे किया है तो हमने यहां लिख दिया। डोनेशन अगर हम दिया है किसी को तो हम यहां लिख देंगे, वैसे डोनेशन रिसीव होता है पर हम भी किसी को दे सकते हैं तो वो हम यहां लिख देंगे, ठीक है। तो पूरे साल के दौरान चाहे वो किसी भी नेचर का हो, कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं किसमें? रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो रिसीव अकाउंट में, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट अकाउंट में, ठीक है।
और फिर टोटल कर देते हैं यहां, ठीक है। इसमें हम फिर टोटल कर देते हैं और फिर टोटल करने के बाद इसमें हमें पता चलता है कि पूरे साल के एंड में हमारे पास कितना कैश आया और कितना बैंक, ठीक है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हमारे पास, जब हमने रिसीव्स पेमेंट अकाउंट बनाना शुरू किया तो जरूर हमारे पास कैश या बैंक होगा। तो यहां हम एक चीज लिखना भूल रहे हैं, वो है यहाँ पे टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। बैंक क्रेडिट साइड भी आ सकता है, क्यों, अगर ओवरड्राफ्ट हो जाता है, अगर हमारा बैलेंस जो है उसमें क्या है निगेटिव में, मतलब पैसा हमने पिछले साल ज्यादा यूज कर लिया बैंक में से, तो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो हम यहां लिख सकते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट इस तरफ है। अगर नहीं है तो अगर कैश और बैंक चाहे कुछ भी बैलेंस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद हम खर्च पे कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो कैश ही है जिससे हम रिसीव हो सकता है और जिसे हम पे कर सकते हैं, चाहे वो बैंक में हो या कैश में हो। तो लास्ट में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन में अगर स्टार्टिंग में कैश और बैंक है आपके पास, तो एंड में क्या करेगा, या तो आपके पास कैश की वैल्यू दे देगा, बैंक की वैल्यू निकालना पड़ेगा, या फिर बैंक की वैल्यू दे देगा और कैश की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे, इन दोनों के टोटल में जिनका ज्यादा आएगा उसको दोनों साइड के टोटल में लिखेंगे, और जिस तरफ कम आएगा, मान लीजिए इस तरफ कम आ रहा है, रिसीव्स हमने ज्यादा किया है, पेमेंट हमने कम किया है, तो कैश मेरे पास आ रहा है एक्स्ट्रा, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कितना हुआ, इसका टोटल अमाउंट हम यहां भी लिखेंगे और यहां भी लिखेंगे, और फिर इनके टोटल अमाउंट से यहां पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन सीडी, ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरी डाउन, यहां पर लिखेंगे कैश इन हैंड और यहां लिखेंगे बैंक। तो अगर मान लीजिए मेरे पास कैश की वैल्यू है और बैंक की वैल्यू नहीं है तो कैसे फाइंड करेंगे, इन सभी को जोड़ देंगे, इन सभी को हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और जो टोटल आएगा उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से ये जो टोटल है ना इसमें से माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट आएगा उसको हम यहां पर एंटर करके और फिर इस दोनों के अमाउंट को हम यहां पर एंटर कर देंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका तैयार होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ में आ गया होगा, तो नहीं आया है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं इसमें और क्या चीजें हैं, ठीक है। तो ये था आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब ध्यान में रखिए जितने भी रिसीप्ट और पेमेंट होते हैं वो आपको रिकॉर्ड करना है, वो भी कैश बेसिस पे, ठीक है। अब आते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मतलब आया, मतलब पैसा आया और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किया, ठीक है। तो एक ये जो रिकॉर्ड करता है वो सिर्फ करंट ईयर को ही, मतलब करंट इस साल की जो खर्च होने वाले थे सिर्फ उसको रिकॉर्ड करता है। अगर मान लीजिए पिछले साल की एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग है, अगले साल की हमने नेक्स्ट ईयर की कर रखी है एक्सपेंस इसी साल, तो हम पिछले साल वाले को माइनस कर देंगे, नेक्स्ट साल वाले को भी माइनस करेंगे, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि इस करंट ईयर का हमारा खर्चा क्या होने वाला था, ठीक है, जो एक्चुअल अमाउंट है जो इस ईयर खर्चा होने वाला था, क्योंकि हम इस साल जैसे पिछले साल का क्रेडिटर्स हैं तो उसको भी हम चुकाते हैं, और अगले साल के लिए एडवांस हमें पे करना है तो वो भी हम करते हैं, तो यहाँ पर दोनों को हम माइनस करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इस साल का जो करंट अकाउंट, जो हमारा अकाउंट है
करंट जो हमारा खर्चा है चाहे इनकम है वो हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो होता है वो इट रिकॉर्ड्स ओनली करंट ईयर ट्रांजैक्शंस। करंट ईयर ट्रांजैक्शन इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू रिसीव्ड। और रेवेन्यू पेमेंट्स या फिर एक्सपेंसेस जो भी है विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के हेल्प से रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। ठीक है, ये किस नेचर का होता है? इट इज नॉमिनल नेचर का होता है। ये जो होता है वो किस नेचर का होता है? नॉमिनल नेचर का होता है। ठीक है, ये जो होता है बेसिस होता है इसका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जिसमें यह कहा जाता है कि बिलिंग हो या ना हो, मतलब पैसा मिला हो या ना मिला हो, ठीक है, आपको उसे खर्च मतलब उसको रिकॉर्ड कर देना है। जैसे कि आपने कोई सामान खरीदा है क्रेडिट में, ठीक है, आपने उसे पैसा दिया नहीं है पर उसका मिलना तो है क्रेडिट नहीं, तो उसकी एंट्री इसमें हम करेंगे। वैसे ही आपने किसी को पे किया हो या ना किया हो और क्रेडिट परचेज किया है तो उसको भी आप क्या करेंगे? एंट्री करेंगे आप एक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। ये ठीक है, और क्योंकि ये नॉमिनल नेचर का है आपको पता है कि जो रूल यहां अप्लाई होता है वो क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। ये इसका क्या है? रूल है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहा? इट रिकॉर्ड्स ओनली करेंट ईयर ट्रांजैक्शंस, सिर्फ करेंट ईयर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। दूसरा मैंने कहा कि ये रेवेन्यू रिसीप्ट को ही रेवेन्यू नेचर के जो भी इनकम हो या फिर एक्सपेंडिचर हो उसको रिकॉर्ड करता है। इट अवॉइड्स ऑल द एडजस्टमेंट, इट अवॉइड्स एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर से जो भी एक्सपेंस और इनकम होंगे उनको ये क्या करता है? अवॉइड करता है, मतलब उसको रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, और जो सिर्फ रिकॉर्ड करता है वो है एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। इसको डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड। तो ये था आपका क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, आप कहोगे ये कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर क्या है? तो कैपिटल नेचर क्या है बताता हूं मैं। कैपिटल नेचर जो एक जिसकी
जिसका फायदा हमें लंबे टाइम के लिए, वो शॉर्ट पीरियड के लिए लिमिट नहीं रहता है। जैसे कैश हमारे पास आता है और कैश जाता है, तो कैश क्या है, आना जाना उसका लगा हुआ है, तो वो हमें ज्यादा समय तक, जब अगर मान लीजिए अगले साल हमारे पास कैश नहीं बचा तो क्या वो हमें हेल्प करेगा, नहीं करेगा। तो ये चीजें हैं, जैसे जनरल डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, ठीक है, तो ये सब चीजें जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। और कैपिटल नेचर का हो गया जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है, जैसे लाइफ मेंबरशिप हो गया, फंड्स हो गए, डोनेशन जो स्पेशल डोनेशन होता है वो हो गया, ठीक है, कैपिटल फंड हो गया, एसेट्स में जैसे मशीनरी हमने परचेज किया है, जैसे हमने फर्नीचर परचेज किया है, बुक्स परचेज किया है, तो ये सभी चीजें क्या हो गए, कैपिटल नेचर की। क्यों? क्योंकि ये फर्नीचर जो है, ये जो मशीन है, जो स्पेशल हमारे को डोनेशन मिला है, या फिर लाइफ मेंबरशिप फीस है, ये सभी चीजें जो है हमें लंबे टाइम तक हेल्प करेंगी, लंबे टाइम तक हेल्प करेंगे, इसीलिए वो क्या है, कैपिटल नेचर है। और इसका रिकॉर्ड जो है सो आपका इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होता है। और वही हम बात करें रेवेन्यू रिसीव की, जैसे जनरल डोनेशन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, एडमिशन फीस हो गए, ये सब शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं या फिर शॉर्ट टर्म इनकम्स हैं, ठीक है, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं रेवेन्यू में, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। अब हम जानेंगे इसके फॉर्मेट की, फॉर्मेट इसमें क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होने हैं और क्या रिकॉर्ड नहीं होना है। तो इसका लिमिटेशन भी आपको पता चली गया है, लिमिटेशन क्या है, इट डज नॉट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू कैपिटल नेचर, ये उन ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है जिसका संबंध कैपिटल नेचर से है, ठीक है, और ये डे बाई डे बेसिस पर जो भी खर्चे होते हैं उसको रिकॉर्ड कर दिया जाता है अभी करंट ईयर के, ठीक है। इट डिवाइड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट इज रिलेटेड टू पास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर, ये वो सारे ट्रांजैक्शंस जो नेक्स्ट ईयर का हो से संबंधित हो या फिर पास्ट ईयर से संबंधित हो उसको ये क्या करता है, अवॉइड, इसको रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके फॉर्मेट पे। ठीक वैसा ही पहले नेम ऑफ द फंड, ठीक है, इसके बाद लिखते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एज ऑन 31st मार्च, जो भी डेट दिया होगा उसका हम लिख लेंगे, ठीक है। ये भी एक तरह का लेजर क्वेश्चन ही होता है, तो यहां पर भी क्या होता है, दो साइड्स होते हैं, ठीक है, इसमें भी क्या होता है, दो साइड, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड, ठीक है। यहां पे लिखते हैं हम इनकम, सॉरी एक्सपेंसेस, क्यों, क्योंकि जो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है ये नॉमिनल नेचर का है और इसका जो रूल होता है वो यही कि ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, ऑल इनकम क्रेडिट, इसीलिए, समझ गए। अब इस साल का जितना भी एक्सपेंस और इनकम है वो हम यहां ले लेंगे। अब जैसे एक्सपेंस में मान लीजिए हमारे पास एक्सपेंस आता है, रेंट पे किया है, ठीक है, क्या रेंट पे किया है, ठीक है। अब रेंट जो हमने पे किया है इसके साथ एडजस्टमेंट कैसे होता है वो देखिए। अगर रेंट के साथ हमने, मेरे पास लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग था एट बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग एट एंड, सॉरी आउटस्टैंडिंग एट एंड, एडजस्टमेंट में कर दिया हुआ है, तो इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अगर एडवांस पे किया था स्टार्टिंग में, एडवांस हमारे को
बैलेंस में दिखा रहा है ओपनिंग बैलेंस शीट में एडवांस एट बिगनिंग, तो उसको भी ऐड करेंगे, ठीक है। पर लेस करेंगे इसको टोटल करके यहां पे लिखेंगे और फिर लेस करेंगे अगर हमारे पास आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग है और एडवांस एट एंड कोई भी हो, ठीक है, उसको हम यहां पे लेस करेंगे और जो अमाउंट आएगा उसे हम यहां पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो चाहे वो कैसा भी एक्सपेंसेस हो या फिर इनकम हो, ये जो चीजें हैं वो सब में एप्लीकेबल होगा। अगर उसमें दिया हुआ है कि एंड का मतलब क्या है, साल के एंड में आपके पास आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है, साल के स्टार्टिंग में आपके पास एडवांस कितना आपने पे किया था, क्योंकि वो आपके लिए अब क्या हो गया, एसेट हो गया ना आपके लिए, इस साल का वो एसेट हो गया, तो आपने इसको ऐड किया आउटस्टैंडिंग एट द एंड को आपने ऐड कर लिया। लेस जो है आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग, बिगनिंग का मतलब होता है कि स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में स्टार्टिंग डे में आपके पास आउटस्टैंडिंग कितना है, ठीक है, क्योंकि अब आपने उसका पेमेंट कर दिया है। एंड में जब आप गए तो वहां पे इसका पेमेंट हो चुका है, रेंट पे किया है जो उसमें वो हो चुका है। एडवांस जो आप एट द एंड दे रहे हो ये बताता है कि आप अगले साल का मतलब नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, तो जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है उसको हमने माइनस कर दिया और जो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस था उसको भी हमने माइनस कर दिया। तो ये दोनों जो है आप देख रहे हो, ये एक तो आ रहा है नेक्स्ट ईयर से और एक आ रहा है प्रीवियस ईयर से, दोनों को हमने माइनस किया है और इन दोनों को ऐड किया है, तो इससे पता चल रहा है कि ये जो अमाउंट हमारा निकला है वो क्या है, करेंट ईयर का है। किसका है? करेंट ईयर का, समझ। तो ऐसे ही होता है स्टॉक्स की एंट्री भी, कॉस्ट ऑफ स्टॉक्स मतलब गुड्स कंज्यूम जो होता है ना उसकी भी एंट्री ऐसे ही होती है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे, फिलहाल ये है। इसके बाद गुड्स कंज्यूम, गुड्स नहीं लिखकर यहां पर स्टॉक लिखते हैं, ठीक है, एक्सपेंस हुआ ना, कंज्यूम किया था एक्सपेंस हुआ। इसके बाद एक्सपेंस हम कर रहे हैं, इसके पास आप, इसके बाद आपका आ जाएगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ध्यान रखिए यहां पर टू लिखते हैं, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ठीक है। इसके बाद आपका आएगा ऑडिट फीस। तो ये देख लो आप, ये सारे एक्सपेंसेस हैं जो यहां पर आ रहे हैं, ठीक है। इनकम कैसे होता है वो देखिए, सब्सक्रिप्शन के रूप में होता है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन आपको बताया मैंने यहां पर भी कि आउटस्टैंडिंग अगर एंड है तो उसको हम ऐड करेंगे, एडवांस एट बिगनिंग है तो उसको हम ऐड करेंगे, वैसे ही यहां पर भी होगा, ठीक है। एड आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग एंड और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। जो अमाउंट आएगा इसको हम लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग से और एडवांस एट एंड, इन दोनों से हम माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको हम यहां लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है डोनेशन, आपने रिसीव किया है बाई, यहां लिखेंगे, ठीक है बाई, तो डोनेशन अगर रिसीव किया आपने डोनेशन यहां लिखेंगे, वो भी कौन सा, जनरल, ठीक है। बाई अगर इंटरेस्ट के रूप में अगर आपको इनकम आ रहा है तो वो आप लिखेंगे, ठीक है। अब जब हम टोटल करते हैं तो टोटल करते समय हमें ध्यान देना है कि जो
अगर मान लीजिए डेबिट साइड ज्यादा है, दोनों का टोटल करेंगे हम, अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, इसका मतलब हमें जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, सरप्लस। क्या आएगा, सरप्लस। अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो हमें क्या आएगा, सरप्लस। और सरप्लस यहां लिखेंगे, इफ एक्सपेंस सॉरी डेफिसिट आएगा। डेफिसिट क्या होता है, डेफिसिट, डेफिसिट का मतलब है कि नुकसान होना, घाटा होना, मतलब आपने खर्चे ज्यादा कर लिए हैं पर पैसे कम मिले हैं, तो यहां पर आपको नुकसान हो रहा है, तो ये हो गया एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस इज, अगर एक्सपेंस ज्यादा है मोर देन इनकम, अगर एक्सपेंस ज्यादा है इनकम से, क्या आएगा, डेफिसिट। मगर अगर इनकम ज्यादा है तो क्या आएगा, सरप्लस। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जैसे प्रॉफिट अर्निंग कंपनी में क्या आता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, डेबिट साइड नेट प्रॉफिट और उस साइड नेट लॉस, वैसे ही यहां पर सरप्लस और डेफिसिट है। डेबिट साइड क्या आएगा, सरप्लस, जो हमें बताएगा कि इनकम ज्यादा हुआ है, एक्सपेंस कम हुआ है। पर अगर डेफिसिट आता है तो हमें बताएगा कि एक्सपेंस ज्यादा हुआ है और इनकम कम हुआ है। ठीक है, और यही दोनों अमाउंट जो है बैलेंस शीट में क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं कैपिटल फंड में। अगर प्रॉफिट होता है मतलब कि सरप्लस होता है तो उसको हम ऐड कर देते हैं कैपिटल फंड में, अगर लॉस होता है तो हम उसको मतलब माइनस कर देते हैं, मतलब डेफिसिट अगर आता है तो उसको कैपिटल फंड में से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब आते हैं हम बैलेंस शीट पे। ठीक है, तो अब यहां देखिएगा कि बैलेंस शीट, बैलेंस शीट मतलब एक फाइनल स्टेटमेंट है, मतलब ये जो होता है पूरे कंक्लूजन एक तरह से आप निकाल सकते हैं इससे, कि शॉर्ट में पता कर सकते हैं कि आपके पास एसेट कितना है और लायबिलिटी कितना है। यह एक फाइनल स्टेटमेंट होता है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इसमें भी दो साइड होता है, एक साइड एसेट और एक साइड लायबिलिटी। एसेट्स में वो सारे चीजें रिकॉर्ड की जाते हैं जो हमारे पास इस साल के लिए, जो हमारा अपना संपत्ति है, एसेट बताता है संपत्ति, तो जो हमारा अपना संपत्ति है जैसे मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, इसका बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, बुक्स हो गए, ठीक है, ये सब मेरा अपना क्या है, संपत्ति है। अगर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया है एडवांस में तो जो हमने वहां पर माइनस किया था एडवांस एट एंड, वो हम क्या करेंगे, एडवांस एट एंड, जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है उसको हम एंट्री करेंगे इसमें एसेट अकाउंट में। क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए अगले साल के लिए क्या है, एसेट है। लेकिन अगर हम रिसीव एडवांस लेते हैं, सिर्फ रेंट हमने रिसीव कर लिया है एडवांस में, ठीक है, तो अगर रेंट हमने रिसीव कर लिया एडवांस में तो वो हमारे लिए क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। क्यों, क्योंकि अगले साल हमें वो नहीं मिलेगा, वो यूज करेगा इसका। तो लायबिलिटी क्या होता है, वह अमाउंट जो हमें उसे पे करना है, किसे, क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो बैलेंस शीट जो स्टार्ट होता है वो ओपनिंग कैपिटल फंड से स्टार्ट होता है, किससे, ओपनिंग कैपिटल फंड से। अगर ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आपको उसे निकालना पड़ेगा,
और कैसे निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल फंड वो देखिए। ओपनिंग कैपिटल फंड हमेशा ध्यान रखिएगा, जब हम ओपनिंग कैपिटल फंड निकालेंगे तो उसमें एसेट्स हमेशा ज्यादा होगा लायबिलिटी से, इसीलिए टोटल एसेट्स को हम माइनस करेंगे टोटल लायबिलिटी से। ठीक है, तो हमारा निकल जाएगा ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल फंड मतलब कि स्टार्टिंग में 1 अप्रैल को हमारे पास कैपिटल कितना था, ये इसका मतलब होता है। और इस यह एक तरह का वह अमाउंट है जो किसी ट्रस्टी के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। किसके द्वारा? ट्रस्टी। ठीक है, ट्रस्टी के द्वारा दिया जाता है। और इस अमाउंट से हम खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं, इसी अमाउंट से हम एक्सपेंस करते हैं नए नए बिल्डिंग बनाने में, या फिर कोई भी फंक्शन होता है वहां पर एक्स्ट्रा जो भी लॉसेज होते हैं, ठीक है, उसको हम कहां से बियर करते हैं? कैपिटल फंड से। जैसे आपने देखा था, बताया था मैंने आपको 11th क्लास में, आपने पढ़ा भी होगा कि जो ऑनर्स जो होते हैं वो जो इन्वेस्ट करते हैं किसी बिजनेस में, अपने बिजनेस में, तो वो क्या 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 रिकॉर्ड करते हैं अपने खर्चे को? कैपिटल में। मतलब बताते हैं कि वो हमारा क्या है? कैपिटल फंड है। ठीक है, तो ये निकालने के लिए आपके पास परफॉर्मा है, फॉर्मेट है, नेम ऑफ द फर्म, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल या फिर 1 जनवरी जो भी है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड हम करेंगे। इस तरफ हम क्या लिखते हैं आपको पता है? लायबिलिटी। और इस तरफ क्या लिखते हैं हम? एसेट्स। है ना, यहां पे आपके पास मशीनरी हो सकता है, साल के स्टार्टिंग मशीनरी हो सकता है, आपके पास फर्नीचर हो सकता है, फिर उसके पास बुक्स हो सकते हैं, है ना, बिल्डिंग हो सकता है, जो भी चीजें एसेट्स हैं वो आप यहां पे लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके टोटल से लायबिलिटी साइड के टोटल को हम माइनस करेंगे, लायबिलिटी साइड के टोटल से हम टोटल को माइनस करेंगे। और यहां पर क्या हो सकता है? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग हो सकता है, स्पेशल फंड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इनके टोटल को जब हम माइनस करेंगे एसेट के टोटल से, तो हमारा जो बैलेंस आएगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल फंड। ठीक है, ये क्या है? बैलेंस फिगर। क्या है? बैलेंस फिगर, समझ गए? तो ये तरीका था ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने का, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल फंड निकालना हमारे लिए जरूरी है, अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया है तो अच्छी बात है, हमें निकालना जरूरत नहीं है। ठीक है, अपलोडिंग नेक्स्ट वीडियो, प्लीज बी कंटिन्यू विद द सेम इंटेंशन। थैंक यू, कमेंट एंड शेयर। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड लव।